निकाय चुनाव की प्रचार की प्रक्रिया सोमवार 27 नवंबर को शाम 4 बजे पूरी हुई, जिसके चलते सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाने के लिए भारी मात्रा में समर्थकों के साथ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लेकर अपने रोड शो निकाले। रोड शो के दौरान देखा गया कि प्रत्याशी एवं समर्थकों के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी, पर किसी को भी जनता का ख्याल नहीं आया। जी हाँ, बता दें, नजारा है 27 नवंबर की दोपहर का, जब सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार के आखिरी दिन में पूरे दमखम के साथ रोड शो निकाल रहे थे, और उस रोड शो में जिधर देखो उधर भारी मात्रा में समर्थकों की व गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही थी। इसी बीच में आम जनता भी पिसी, जिधर भी निगाहें जा रही थी उधर जाम ही जाम नजर आ रहा था। देखते ही देखते पूरा शहर जाम की चपेट में आ गया। जब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, पर कैमरा बंद होते ही सब कहने लगे कि इस तरह से प्रत्याशी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और उन्हीं के सामने आम जनता मुसीबत में फंस रही है। दरअसल प्रचार के आखिरी दिन होने से सभी अपना अपना दम दिखाने में पूरे उत्साह में थे, पर सच तो यही है कि जो लोग जनता को अपनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे उन्हीं की वजह से पूरे दिन जनता जाम की भीषण समस्या में घुट घुट कर रह गई, और जो रास्ता 10 मिनट में तय हो सकता था वही रास्ते को तय करने में 1 से 1.5 घंटे का समय बर्बाद करना पड़ा।